चौधरी और आज हम शुभम बिहार में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम जो कुछ भी हैं, आप जैसे फॉलोअर्स, आप जैसे चाहने वालों की वजह से ही हैं। और यहाँ दोनों भैया जो खड़े हैं हमारे, कम से कम भैया आपके शुभ नाम पंकज गुप्ता भैया, और भैया पुष्पेंद्र सोनी जी, ये दोनों हमें करीब 10 से 12 साल पहले से फॉलो कर रहे हैं। 12 साल से नंबर रखे थे और उस नंबर का आज उपयोग हुआ शुभम बिहार में। यहाँ इनके गार्डन पे एक बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम नाग भी नाम से जानते हैं, और एक बड़ा हादसा क्योंकि ये अपने 3 महीने के बच्चे के साथ रहते हैं, बहू के साथ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस सिचुएशन में सांप था और एक कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और एक चूहे का बिल है और यहीं पर घुसा हुआ बैठा हुआ है और ये सांप मुझे ताक रहा है। इसके मुंह से ही समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा सांप है ये। सांप मेरे ख्याल से 5.5 से 6 फीट के आसपास का है। पानी डालना ठीक रहेगा, हाथ बचा के। बॉडी मेरे को यहाँ दिखा था, उसका मुंह उसका वहां दिख रहा है और पीछे भी जा रहा है बाहर। जहाँ पे ये सीमेंटेड है वहां पर क्या है? चैम्बर है, क्या है? वो उधर बहुत बड़ा होल कर दिया था चूहा, तो उसको हाथ भी बचा। पैक हुआ पानी, पैक तो हो रहा है। छेद होगा तो आप उसको मालूम है ना, छेद कहाँ से कहाँ है। नहीं, लेकिन अगर होता तो अब तक डिस्टर्ब करने से भाग नहीं गया होता। हाँ, ये भी बात है। ओ, आवाज आ रहा है घर से। हाँ, बॉडी वहां है। ये कहाँ है? उधर बॉडी है। क्या उसको लग जाएगा तो मर जाएगा? देखो आवाज कर रहा है यहां से। मुंडी आएगा, देखिए दोस्तों इतना बड़ा सांप घर में है और कितना घातक था। दोस्तों ये पूरी तरह से गुस्से में है और इसका जहर हम हर वीडियो में बताते हैं कि न्यूरोटॉक्सिन जहर है और इसके काटने से हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। और ये काट दे तो यूज क्वांटिटी में बड़ा बड़ा सांप है। इसका वेनम ग्लैंड भी बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा जहर मात्रा में छोड़ेगा और मेरी मौत हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, 45 मिनट में हो जाए। लोग कहते हैं कि 4 घंटा 5 घंटा टाइम होता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सांप के ऊपर कि सांप ने कितना जहर डाला। और कहीं वैन में डाल दिया तो हमारे पास बहुत ही टाइम कम होता है। और बिल्ला हुआ देखिए,
दोस्तों हम यही बोलेंगे कि हमारे वीडियो में हम लोग हमेशा यही कहते हैं, अगर सांप काटता है तो प्लीज झाड़ फूक देसी इलाज जड़ी के चक्कर में मत रहिए, सीधा डॉक्टर पास जाइए। आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है और इसका इलाज बहुत सस्ता होता है, लेकिन उसमें शर्त यह है बिना टाइम बर्बाद किए आपको हॉस्पिटल जाना है फर्स्ट एड लेते हुए। देखिए मैंने पहले ही कहा था उसका हेड देख के सर देख के कि 5.5 से 6 फीट का होगा सांप, तो देखिए हमारा सिर्फ एक्सपीरियंस ही है, अनुभव है, हम उसी के बेस पे काम करते हैं। चलो देखिए इसका रैम देखिए। नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरे को डर लगता है, पिला दो भैया। हाँ तो माँ होती है और माँ का मन बहुत ही बड़ा होता है और हमें सदैव बच्चे के लिए हमेशा अपना जान तक निछाल करने तैयार रहती है। उसी का एक परिचय है, माँ ने यहाँ पर और एक धार्मिक आस्था भी है, माँ ने ये कहा कि सांप दूध पीता है और बेटी की तरह उन्होंने दूध ला के दिया है। तो हमारा वीडियो मज़े के लिए नहीं है, मैं हमेशा यही कहता हूँ एजुकेशन के लिए है, लोगों को हमेशा यह हम लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ये दूध पिलाना नागपंचमी का धार्मिक आस्था वाली बात है और हम किसी की आस्था को हम तोड़ना नहीं चाहते। सांप दूध नहीं पीता है, सांप जन्म से मांसाहारी होता है। ये दूध पिएगा तो इसके लीवर में इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा और इसके आंतें सड़ जाएगी, इसकी मौत होगी। आज के बाद दूध नहीं पिलाना है, दूध हम जैसे बच्चों को पिलाना है, ठीक है। तो मुझे तो भूख लगा है माँ, तो इसीलिए मैं दूध मंगाया हूँ, तो मैं पी लेता हूँ। ये माँ जब दूध पी है तो मैं पी लेता हूँ। दूध पे ही कमाल है भैया की बॉडी। और देखो दोस्त शक्कर डाल के लाइए माँ, माँ शक्कर डाल के लाइए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और यंग कमर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी कॉपी ना करें क्योंकि इस चक्कर में उनकी मौत हो सकती है। वो तो ऐसे लंबा था ना जिसने दिख गया, वो आगे खिसका ही नहीं रहा अपनी गाड़ी चालू है। ऊपर ही है, ऊपर ही है, ऊपर ही मंदिर थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा बाकी नीचे ये मुंडी उसका मुंडी ऊपर ही था। तो दोस्तों फाइनली ये रेस्क्यू हो गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह से अपनी जान पे खेल के, लोगों की जान को बचाते हुए और जीव जंतु की जान बचाते हुए। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और रेगुलर हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू कमल भैया, इसी तरह सबकी सेवा करते रहिए।